तो आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके सहायता से आप गजब के अमेजिंग फिन करेंगे। एमएस वर्ड के अंदर हम मैथ बताने के लिए आपको सिखाने वाले हैं। एमएस वर्ड के अंदर में आप अगर मैथ को बनाएंगे तो गजब का आपको फील होगा। आपको यहाँ पर हम चले तो लेके चलते हैं एमएस वर्ड के ऊपर। आप एमएस वर्ड को जानना तो जानते ही हैं कि ओपन करना कैसे ओपन करना। अगर आप नहीं जानते ओपन करना तो हमारे पीछे का लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको हम इसके पहले तो कुछ बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। इसके यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अगर मानते हैं हम तीन बार यहाँ पर हच वगैरह को प्रेस करते हैं, ठीक है, और इंटर को प्रेस करते हैं, देखिए आपका एक सिंगल लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाता। अगर आप यहाँ पर तीन बार माइनस वगैरह देते हैं, आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ हो जाते हैं। अगर मानते हैं कि आप यहाँ पर टिल्ड वगैरह को देते हैं तो आपका जो है कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको टिल्ड लाइन शो कर जाएगा। आपको और भी बहुत सारे गजब के ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ को हम देंगे। लाइट कटिंग की वजह से थोड़ी सी लाइट धुंधलापन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बता रहे हैं कि अगर मानते हैं कि आपको एट द रेट ऑफ वगैरह लिखना है, कॉपीराइट का सिंबल वगैरह लेना है, ट्रेडमार्क का सिंबल वगैरह लेना है, आपको कुछ नहीं करना, छोटी कोस्ट आपको लगाना है। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे 9 तो आपको छोटी कोस्ट बाएं की तरफ हो जाएगा। अगर आप सी को प्रेस कर रहे हैं और फिर शिफ्ट के साथ राइट छोटी कोस्ट को दबाएंगे, वैसे ही आपको सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपको कहीं पर मिसिंग के कारण आपको ये नहीं हो पाया होगा। तो हम अब आगे चलते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के आपको ये बताते हैं मैथ बनाने के लिए। तो यहाँ कंट्रोल के साथ आपको यहाँ पर प्रेस करते हैं F9। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो बड़ी कोस्ट आपके सामने आ जाएगी, मंथली कोस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर जिस तरीकों के आपको मैथ वगैरह बनाने हैं, आप बस यहाँ लगाइए इक्वल का साइन। आपको जो करना है, जैसे 12 प्लस 18 माइनस 10, आप यहां पर देखिए कि कितना होगा। आपको रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करने हैं कि बस आपको सिंपली F9 को प्रेस करने हैं। देखिए, आपको रिजल्ट आपके सामने 20 आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि 20 कैसे आया, आप यहां पर जोड़ सकते हैं 18 12 30 30 में से 10 जगह पर कितना बचेगा, 20। तो चलिए, आपने इस मैथ को आपने पास किया। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं अब गजब का एक और ट्रिक्स मैथ वगैरह बनाने। इसमें और भी आप जैसे भी मैथ बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको बता सकते हैं। फिर हम यहाँ पर F9 को प्रेस किए, इक्वल साइन को लगाए। यहाँ पर अगर भाग वगैरह हम लोग को देना है तो भाग यहाँ से दे दीजिए। मानते हैं कि हमको 20 × 2 − 10 + 20, ठीक है। आप इसको रिजल्ट वगैरह लाना चाहते हैं, इस तरीकों के मैथ लाना है तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि हमें लाना है उत्तर तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करने हैं, और यदि आपको रिजल्ट लाने हैं तो सिर्फ नॉर्मल F9 को प्रेस करने हैं। देखिए, आपका रिजल्ट आपके सामने शो कर जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग का ट्रिक है इस प्रकार से। अभी और भी कुछ कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको हमें बता दें कि आपको इसके अंदर आपको टेबल इंसर्ट कैसे कराना है, तो देखिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पर इंसर्ट में जा करके यहाँ पर टेबल पर क्लिक करके यहाँ पर से टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, या इंसर्ट टेबल में जा करके यहाँ पर लिखेंगे कि कितने बाय कितने का टेबल चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बहुत ही जी में आप कोई भी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल इसको कंट्रोल ए से डिलीट करते हैं। आप यहाँ से अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको किसी भी टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लस साइन देने हैं और माइनस साइन उतने लगाने हैं जितने बड़े आपको कॉलम चाहिए। जैसे मानते हैं सीरियल नंबर का कॉलम है, और प्लस से फिर हमको वापस लॉक कर देना है। फिर हमको दूसरे कॉलम लेना है तो जितने बड़े कॉलम लेना है उतने बड़े हमको माइनस का चिन्ह देना है। फिर लॉक करना है तो प्लस। इस बात को ध्यान रखिए कि प्लस से आपको स्टार्टिंग होगा और प्लस से आपका एंड होगा। इस प्रकार के जितने भी कॉलम चाहिए उतने आप माइनस को प्रेस करें, प्लस लगाएं, माइनस को प्रेस करें, प्लस से लॉक करें। जैसे ही आप ध्यान रखिए, जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पर टेबल क्रिएट होकर के आ जाती है। अब इस टेबल को आपको जितने जल्दी से जल्दी बनाने होंगे तो आप बस यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से आप इंटर बटन को भी प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपको टेबल को साइज बढ़ाएगा। लेकिन मानते हैं आपको अगर टेबल को बढ़ाना है तो आप यहाँ से टैब बटन को प्रेस करें। देखिए, यहाँ पर हम आपको लिख करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पर टैब बटन, टैब, टैब की, ठीक है, आपको टैब की आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जाइए और टैब की को जैसे ही आप प्रेस करके रखिएगा, आपको देखिए इस प्रकार से टेबल आपको बनना
शुरू हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से आपका इंडेक्स बन गया है। तो ये आपको गजब के ट्रिक्स है, मैथ वगैरह है, इंडेक्स वगैरह है, आप इसमें निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर ये भी आगे चल के बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर क्या एक्सेल में हम जोड़ घटाव गुणा भाग बना सकते हैं, क्या एक्सेल की तरह काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं। आगे चल के देखिएगा, हम सारे चीज़ों को आपको ट्रिक एंड ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, तो बहुत ही जल्दी। तो आप बस मेरे चैनल से ज्वाइन करते रहिए, देखते रहिए, तो ये आपको बताते रहते हैं।